फ्रेंड्स, मैंने इडली ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा सामान लिया हुआ, आप देख सकते हो। और ये लिया है मैंने बेसन 1 कप, मैं यहाँ पे 2 कप बेसन का यूज कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले, 1/2 कप दही, 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च कुटी हुई, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चुटकी हींग। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे, ना गाढ़ा ना पतला। दो से तीन चम्मच ऑयल, यहाँ पर मैं रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हो। अब इसको 2 से 4 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा बैटर अलग निकाल रही हूँ क्योंकि मैं एक साथ में स्टीम नहीं कर सकती, मेरे पास इडली मेकर है जो वो छोटा है, स्मॉल है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास स्टीम करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटा वाला है, तो इसमें ये सारा बैटर नहीं आ पाएगा, तो मैं इसको 2 बार में करूंगी। तो पहले 1 बार का स्टीम करूंगी, फिर दोबारा करूंगी। 1 पाउच इनो का, अब ये मैं यहाँ पर पूरा 1 पाउच यूज नहीं करूंगी, थोड़ा रखूंगी क्योंकि उसके लिए भी डालना है। यहाँ पर मैं 1/2 का यूज कर लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 1 चम्मच जितना पानी डालेंगे से एक्टिव हो जाएगा, और इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, और ये काम जल्दी जल्दी करना है आपको। इसे ग्रीस कर लिया, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से डाल के इसको स्टीम कर लेती हूँ। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी जल्दी से कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 पतीले में पानी बॉईल होने के लिए रखा था और इसमें कर्म मैंने ये रख दिए हैं सारी इडली ढोकला जितनी भी आई। अब इसको हम स्टीम होने के लिए रखेंगे 10 से 5 मिनट के लिए। इडली स्टीम हो रही है, तब तक के लिए हम इसका तड़का बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, 1 छोटी चम्मच सरसों के दाने, लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ, आप हरी मिर्च भी ले सकते हो, 4 हरी मिर्च। ये तड़का चाहे किसी भी तरीके से बनता हो, पर मेरा एक ये नॉर्मल सा तरीका है ये तड़का बनाने का। इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते, यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया, इसमें 1/4 चम्मच लाल मिर्च, ऊपर से धनिया पत्ता, 2 चुटकी हींग, 2 चम्मच शक्कर ऐड कर दूंगी, 6 से मिला देंगे। चाकू की मदद से थोड़ा सा हल्की सी नोक तो क्लीन है, तो ये रेडी है। निकाल लेते हैं इडली ढोकला को, दूसरा बैटर भी रेडी कर लेती हूँ। आप देख सकते हो मैंने इनको निकाल लिया, काफी सुंदर लग रही हैं देखने में, और ये मैंने शाम के टाइम में बना रही हूँ। इस बार मेरा बेटा बोला था मम्मी लंच में लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने बनाई थी, मेरे बेटे को काफी अच्छी लगी थी ये खाने में, और बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है ये, क्यूट सी लग रही है ना, तो बच्चे भी काफी पसंद कर रहे हैं इस चीज को, तो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है ये। और सुबह मैं इसके लंच में पैक करके दूंगी, ये बोला था मम्मी मैं अपने फ्रेंडों को भी टेस्ट कराऊंगा। चलो ठीक है, तो अभी मैं शाम के टाइम पे बना रही हूँ, और आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से मैं दूसरी ने भी बना लूंगी, और फिर इसमें हम डालेंगे तड़का ऊपर से। फ्रेंड्स,
ढेर सारी इडली ढोकला बनाकर रेडी कर लिया हमने। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आ रहा है ना, बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है, और खाने में भी इसका डबल टेस्ट होगा, आप यकीन कीजिए। तो एक बार बनाना तो बनता है, तो अपने बच्चों के लिए एक बार बनाइए और फिर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखो बिल्कुल कॉटन जैसी अंदर से, देखो कुछ भी नहीं लगा फ्रेंड्स इसमें, कुछ भी नथिंग, और बहुत ही कम सामान में इतनी इजी तरीके से 15 से 20 मिनट के अंदर सॉफ्ट इडली ढोकला बनकर रेडी, बिल्कुल कॉटन जैसी है। बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी इडली बनकर रेडी हुई है, आप देख सकते हैं द्वार से शेप में जा रही है। चलिए अब इनके ऊपर तड़का डालते हैं। फ्रेंड्स आप इसको मॉर्निंग के टाइम या शाम के टाइम में स्नैक्स के तौर पर भी बनाकर खा सकते हो, बच्चों के टिफिन में पैक करके दे सकते हो, लंच में पैक करके दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपको एक और न्यू चटपटी रेसिपी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट।